हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। स्ट्रेट लाइन के अंडर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल जो है उसे हमने स्टार्ट किया था, जो आपके 12th बोर्ड के लिए है, और वहाँ से हमने जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इस सब टॉपिक का आर्टिकल देखा था, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हम इसी आर्टिकल में आने वाले कुछ और प्रॉब्लम्स का स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है जिन्हें हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे अच्छे से देखो, जो होमवर्क आपको बताया जाता है उन्हें अच्छे से करो, जो भी डाउट्स आपको आते हैं उसे कमेंट में मेंशन करो, लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में मेंशन किया करो, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और आप सभी का जो चैनल है, आप सभी का चहेता चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। तो चलो देखो, हम इसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। सो फाइंड पी क्यू इफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको क्या करना है, पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इफ दिस इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस टू वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। तो आपको जैसे ही पता है, अब उन्होंने बताया है कि ये जो इक्वेशन है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, आपको अच्छे से पता है कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन्स को ही रिप्रेजेंट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया है कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ पेयर ऑफ लाइन्स को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें जो दो लाइन्स है ऑब्वियसली है, और वो दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसा इक्वेशन आपको दिया है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आ गया P एंड यहाँ पे आ गया Q, तो आपको P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन आपको सेकेंड दिया है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस क्यू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। तो ये जो इक्वेशन है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो जो दो लाइन्स है वो दो लाइन्स क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करेंगे, सेकेंड आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या दिया है आपको उसे लिखेंगे, वी हैव, चलो क्या है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस टू वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या है, इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे, दिस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है उसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। क्या है कंपेरिजन, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले जो आपका गिवन इक्वेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर सो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पी टू एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एट एक्स वाई वाई स्क्वायर सो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री एक्स एक्स सो टू जी की वैल्यू क्या मिलेगी, फोर्टीन ओके वाई वाई सो टू एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, टू एंड सी की वैल्यू क्या मिलेगी, क्यू। तो इसे अरेंज किया फिर से, सो ए इज इक्वल टू पी एच इज इक्वल टू माइनस फोर बी इज इक्वल टू थ्री जी इज इक्वल टू सेवन एफ इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू क्यू, ऐसा आपको क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो बड़ा सिंपल है, उन्होंने बताया है कि इसमें दो लाइंस है और दो लाइंस एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, सो लाइंस रिप्रेजेंट बाय स्टार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एज स्टार रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस। आपको पता है दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, देयरफोर ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास क्या है, पी प्लस बी आपके पास क्या है, थ्री इज इक्वल टू जीरो, देयरफोर पी इज इक्वल टू माइनस थ्री, ऐसा आपका फर्स्ट कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी।
तो चलो देखो सिंपल है, हमें पी की वैल्यू मिल गई। अब उन्होंने बताया है दो लाइन तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये स्टार इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। सो पेयर ऑफ लाइंस को अगर रिप्रेजेंट करता है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, नेसेसरी कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। एज यहाँ पे देखो अच्छे से, एज स्टार रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस therefore necessary condition of pair of lines is hold। so necessary condition क्या है, अच्छे से देखो necessary condition क्या है, all handsome girl having beautiful faces going for college is equal to zero, ये क्या होगी, hold होगी, क्योंकि ये क्या है पेयर ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस थे तो ये नेसेसरी कंडीशन डेफिनेटली क्या होगी, होल्ड होगी। देयरफॉर वैल्यूएशन पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है पी, और पी की वैल्यू कितनी आ गई -3। अच्छे से देखो ए की वैल्यू पी है, पी की वैल्यू -3 है, सो ए की वैल्यू क्या मिलेगी -3। एच की वैल्यू क्या है -4। जी की वैल्यू क्या है 7। एच की वैल्यू -4। बी की वैल्यू क्या है 3। एफ की वैल्यू क्या है 1। उसके बाद G की वैल्यू क्या है 7। F की वैल्यू क्या है 1। C की वैल्यू क्या है Q इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, तो कैसे करोगे -3, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो स्किप किया 3Q -1, सेकेंड माइनस लेते माइनस मतलब +4, क्या करेंगे सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो स्किप करेंगे -4Q -7, प्लस थर्ड एंट्री लेंगे 7, तो आपको क्या मिलेगा चलो देखो +7 इंटू थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो स्किप करेंगे -4 -21 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा -3 मतलब -9 -9Q -, +3 -16Q ±- 28, उसके बाद -28, सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 -21 दैट इज -25, -25 × 7 दैट इज -175 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो -9 -16 दैट इज -25Q, यहाँ पे देखो अच्छे से -28 + 3 दैट इज -25 -175 दैट इज -200 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 25Q इज इक्वल टू -200, ये आ गया प्लस होगा, सो क्यू इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, क्यू की वैल्यू मिलेगी। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर -3 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। तो चलो देखो कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अच्छे से देखो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। परपेंडिकुलर है, अच्छे से देखो दो लाइन से परपेंडिकुलर है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पेयर ऑफ लाइन से मतलब आपका क्या, जो ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज का डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। तो ये दो कंडीशन आपको पता है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम से कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे देखो, ये आपका ए होगा या आपका बी होगा, सो ए क्या है 2 - p इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू 2, आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप डिटरमिनेंट ले लो, यहाँ से वैल्यूएशन फाइंड करो, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 लो, तो आपको यहाँ से q की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो बड़ा सिंपल है, प्रॉब्लम को सिर्फ अच्छे से समझना होता है और फिर बाद में उनका एप्लीकेशन करना होता है। हमारे कंडीशंस मैंने पहले से आपको बताए थे, आपको बताया था कि इन कंडीशंस का अच्छे से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो चलो देखो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम आप होमवर्क में करोगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेंगे, ओके तो चलो देखो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम क्या है, फाइंड पी एंड क्यू इफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x² + 8xy + py² + qx + 2y - 15 = 0
रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो चलो देखो, बड़ा सिंपल है। आपको यहाँ से क्या मिलता है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मिलती है। क्या मिलती है? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो फिर आपको क्या कहना चाहिए, पैरेलल की कंडीशन पता होनी चाहिए एंड पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन तो आपको अच्छे से पता है। तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके हम पी एंड क्यू जो कॉन्स्टेंट है उनकी वैल्यूएशंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो क्या दिया है हमें। सबसे पहले वी हैव क्या दिया है आपको, 2x² + 8xy +py² + qx + 2y - 15 = 0। तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया, गिवन इक्वेशन। इसे हम कंपेयर करेंगे विथ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। सो कंपेयर विथ, बड़ा सिंपल है, चलो देखो अच्छे से। कंपेयर विथ ax² + 2x + 2xy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू x² x² = 2, xy xy = 8, y² b = p, 2gx = q, सो 2g = q, yy2f = 2, c = -15। तो फिर a = 2, h = 4, b = p, g = q/2, f = 1, c = -15। तो चलो देखो, जो गिवन इक्वेशन था उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार। तो आपको क्लियरली बताया गया है क्वेश्चन में कि ये जो इक्वेशन है आपका स्टार, ये क्या करता है, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, दो लाइंस है और वो क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर एज इक्वेशन स्टार रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, कौन से लाइंस है, पैरेलल लाइंस, देयरफॉर h² - ab = 0। जैसे परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है a + b = 0, सिमिलरली पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, h² - ab = 0। तो h की वैल्यू यहाँ पे है 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है p = 0, सो 16 - 2p = 0, therefore 2p = 16, therefore p = 8। ये हमारा फर्स्ट कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। तो अब हमें सेकेंड कांस्टेंट फाइंड करना है, और सेकेंड कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कौन सी कंडीशन का यूज करेंगे हम, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पेयर ऑफ लाइंस का। therefore as also star represent pair of lines, पेयर ऑफ लाइंस, देयरफॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस सेटिस्फाई बाय स्टार। देयरफॉर क्या है पेयर ऑफ लाइंस की नेसेसरी कंडीशन, ए ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज। देखो कितनी सिंपल कंडीशन है, is equal to 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूएशंस को पुट करेंगे। आपके पास a वैल्यू है 2, h की वैल्यू है 4, g की वैल्यू है q/2, उसके बाद h की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है p की वैल्यू हमें यहाँ पता चल गई 8, f की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है q/2, ओके f की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -15 = 0। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो डिटर्मिनेंट है उसे एक्सपांड करना है, सॉल्व करना है। तो एक डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, सबको पता है, 2 लिया, इस कॉलम एंड रो को स्किप किया, सो 18 - 15 कितना आता है 120, -120 - 1 × 1 = 1। सेकेंड एंट्री निगेटिव लेते हैं, सो इस कॉलम और रो को स्किप किया, 15 × 60 -60 - q/2 + थर्ड एंट्री जो है क्या लेंगे, प्लस q
क्यू बाई टू इन टू, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, सो 4 इंटू वन फोर माइनस एट क्यू, दैट इज 4 क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो चलो माइनस 120 माइनस वन माइनस 120 इंटू टू मतलब क्या आएगा, माइनस 242। अच्छे से देखो माइनस 120 माइनस वन दैट इज माइनस 121, टू से मल्टीप्लाई किया 242, माइनस माइनस प्लस 240, माइनस माइनस प्लस डिवाइड किया दैट इज 2 क्यू, प्लस यहाँ डिवाइड किया 2 क्यू इंटू यहाँ डिवाइड किया 42, 2 इन टू क्यू स्क्वेयर दैट इज 2 क्यू स्क्वेयर। माइनस क्या आएगा, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर दैट इज 2 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अच्छे से देखो माइनस 120 माइनस वन दैट इज माइनस 121 इंटू टू दैट इज माइनस 240, माइनस 4 इंटू माइनस 60 दैट इज प्लस 240, माइनस 4 इंटू माइनस क्यू बाई टू माइनस माइनस प्लस 4q अपॉन 2 दैट इज 2q, 4q अपॉन 2 दैट इज 2q, माइनस 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 4q इंटू क्यू दैट इज 4q² अपॉन 2 दैट इज 2q². तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे इसे 240 माइनस दैट इज माइनस 2, 2q दैट इज प्लस 4q, माइनस 2q² इज इक्वल टू जीरो। थ्रू आउट माइनस 2 से डिवाइड किया, माइनस 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा q² माइनस 2q, यहाँ पे आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर क्यू माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर क्यू इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो देखो इस तरह से आपको P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई, आप लास्ट में क्या लिखोगे स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर 8 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो चलो देखो इतनी आसानी से, बड़ी आसानी से हमने क्या किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सिर्फ आपको दो कंडीशंस याद रखना जरूरी है, पैरेलल के लिए होती है h² माइनस ab इज इक्वल टू जीरो एंड परपेंडिकुलर के लिए होती है a + b इज इक्वल टू जीरो। और आपको तो पता ही है जैसे कोई भी पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो फिर आपको पता है वो डिटरमिनेंट क्या लेना होता है, जीरो, वो नेसेसरी कंडीशन है फॉर द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो चलो देखो बड़ी आसानी से ये दो प्रॉब्लम्स जो थे हमारे सॉल्व हो गए, दो नंबर का प्रॉब्लम आप होमवर्क में आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखो लास्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे उसे भी देखो क्या है प्रॉब्लम। चलो देखो क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, जैसे ही हम क्वेश्चन को समझेंगे अंडरस्टैंड करेंगे प्लॉट करेंगे तो प्रॉब्लम बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या करता है, पेयर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है और दोनों पेयर ऑफ साइड्स क्या है, अपोजिट है। मतलब यहाँ से हमें दो लाइन्स मिलेंगी जो क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के लिए, दैट इज पैरेलल साइड्स है। और यहाँ से भी हमें क्या मिलेगी, दो साइड्स मिलेंगी जो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह से यहाँ से हमें दो साइड्स मिलेंगी अपोजिट पैरेलल साइड्स और यहाँ से हमें दो साइड्स मिलेगी अपोजिट पैरेलल साइड्स, और ये दो साइड्स क्या फॉर्म करती है, पैरेललोग्राम को फॉर्म करती है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपको डायगोनल्स का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, तो उससे पहले सबसे आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर जॉइंट इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो बड़ा सिंपल है, हम यहां पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अच्छे से देखो यहां पे द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या है, x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो एंड y² माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ दो साइड्स है एंड यहाँ पे भी दो साइड्स है, हम सेपरेट साइड्स का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, तो हम सेपरेट लाइंस फाइंड कर सकते हैं, x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो एंड
वाई स्क्वायर 40 है, माइनस 10y माइनस 4y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 6 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयर फोर x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन आ गई। आगे देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y कॉमन लिया y माइनस 10 माइनस 4 कॉमन लिया y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देयर फोर y माइनस 10 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयर फोर y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको दो लाइन्स मिले। तो ये जो इक्वेशन है इसमें दो पैरेलल लाइंस है, और ये जो इक्वेशन है इसमें दो पैरेलल लाइंस है, हमने लाइंस को फाइंड किया। तो जैसे हमने लाइंस को फाइंड किया तो हमें पैरेललोग्राम मिलेगा, पैरेललोग्राम से हमें क्या मिलेंगे, डायगोनल। तो यहाँ पे देखो टेक्निकली ये कैसे दिखेगा ये समझना होगा। यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलो देखो यहाँ पे आपको क्या मिली, ए लाइन मिली y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी, ये क्या होगी y इज इक्वल टू 4। तो लाइन कैसे प्लॉट करना है आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1, मतलब ए लाइन अगर आपने ली तो ये लाइन क्या होगी x इज इक्वल टू 1 एंड 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर आपने लाइन ली तो ये लाइन आपकी क्या होगी x इज इक्वल टू 6। ओके तो चलो देखो अच्छे से, तो x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 6 ये दो पैरेलल लाइन्स है पैरेललोग्राम की, एंड y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 10 ये आपकी पैरेलल लाइन्स है पैरेललोग्राम की। तो इस तरह से आपका पैरेललोग्राम देखो यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। देखो इसे हम ए बोलेंगे, ए बी सी डी। तो आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। तो एक एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना बड़ी आसान बात है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, यहाँ पे बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, यहाँ पे डी का देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 10, एंड सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6, वाई कोऑर्डिनेट है 10। तो चलो देखो इस तरह से आपको ए बी सी डी पैरेललोग्राम मिल गया, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी बड़ी आसानी से मिल गए। तो अब आसानी से ये जो डायगोनल है इस डायगोनल का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे मेंशन करेंगे, देयरफोर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विथ ए, ए क्या है 1 4, बी बी क्या है आपका 6 4, सी सी क्या है आपका 6 10, एंड डी डी क्या है आपका 1 10 इज अ पैरालेलोग्राम। तो चलो देखो आपको पैरालेलोग्राम मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स जो है उन डायगोनल्स का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करोगे आप डायगोनल का इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल, डायगोनल कौन सा है एसी, डायगोनल सी कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप क्या कर सकते हो टू पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हो। सो क्या है टू पॉइंट फॉर्म, वाई टू माइनस वाई वन दैट इज 10, सॉरी वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन दैट इज 4 अपॉन वाई टू माइनस वाई वन दैट इज 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज 1 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 6, ये सब उधर गया, 6x माइनस 5y वहां जाके प्लस होगा, प्लस 20 माइनस 6 दैट इज प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके फर्स्ट डायगोनल का इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड डायगोनल का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल फाइंड करेंगे आप, बीडी, डायगोनल बीडी सेम वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है 4 अपॉन, सॉरी यस वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू क्या है 10, 10 माइनस 4 दैट इज 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन दैट इज 6 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वन माइनस 6 मतलब क्या मिलेगा माइनस 5।
अच्छे से देखो क्या मिलता है। ओके अच्छे से देखो, इसे x1 y1 बोला, इसे x2 y2 बोला, सो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 36, सब उधर गया तो आपको क्या मिलेगा 6x, ये वहां जाएगा प्लस होगा प्लस 5y, ये वहां जाएगा माइनस होगा माइनस 56 इज इक्वल टू जीरो। अच्छे से देखो ये ऐसे रहेगा, ये वहां जाएगा प्लस होगा, ये वहां जाएगा माइनस होगा, तो आपको क्या मिलेगा 6x एक्स प्लस फाइव वाई माइनस 56 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन टू आपको यहाँ पे मिल गया। आपको क्या करना है, ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है, देयर फॉर ज्वाइंट इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स इज क्या होगा ज्वाइंट इक्वेशन, अच्छे से देखो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, अच्छे से ध्यान दो कैसे लिखा है कहा गया है। ओके तो स्पेस न होने की वजह से हम यहां पे आंसर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या होगा, चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका 6x एक्स माइनस फाइव वाई प्लस 14 इंटू, आपका सेकेंड इक्वेशन क्या होगा 6x एक्स प्लस फाइव वाई माइनस 56, माइनस 56 इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या होगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। तो हमें करना क्या है, सिर्फ ये प्रोडक्ट जो है उसे करना है, सो 6x एक्स इंटू 6x मतलब कितना आएगा 36x एक्स स्क्वेयर, सो 6x एक्स इंटू प्लस मतलब 30xy, 6x एक्स इंटू माइनस 56 सो माइनस 56 इंटू 6, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33, सो माइनस 336, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, चलो देखो 56 इंटू 6x, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो आगे अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 इंटू एक्स दैट इज 30xy, अच्छे से देखो माइनस 5y प्लस 6x दैट इज माइनस 30xy, माइनस 25y स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 5y, आगे देखो प्लस 14 से मल्टीप्लाई करें 14 इंटू 6, 14 इंटू 6x प्लस 14 इंटू 5y माइनस 56 इंटू 14 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या करना होता है हमें, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एक्स वाई, वाई स्क्वेयर एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट इस फॉर्मेट में लिखना होता है, तो यहाँ पे देखो माइनस 30xy प्लस 30xy क्या हो गए कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 36x स्क्वेयर माइनस 25y स्क्वेयर। अब यहाँ पे x, यहाँ पे देखो माइनस 56 इंटू 6x और यहाँ पे देखो 40 इंटू 6x, तो यहाँ पे 6x को अगर हमने क्या लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 56 प्लस 14, अच्छे से देखो। ओके अब क्या लिखेंगे y, यहाँ पे देखो 56 इंटू 5y और यहाँ पे देखो 14 इंटू 5y, सो क्या लिया प्लस 5y को कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 56 प्लस 14 माइनस 56 इंटू 14 इज इक्वल टू जीरो, इसे अरेंज करेंगे सो 36 एक्स स्क्वेयर माइनस 25 वाई स्क्वेयर माइनस 56 इंटू 14 दैट इज माइनस 42, सो माइनस 42 इंटू 6x, 56 प्लस 40 दैट इज 60 70 प्लस 5 इंटू 70y माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, सो क्या होगा 56 14 14 6 जा 84 कैरी 8, 14 5 जा 98 प्लस 8, चलो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 56 इंटू 14, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 56, तो क्या मिलेगा 4 8 7 784, तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। तो अब इन मल्टीप्लीकेशंस को भी कर लो इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर
36x² माइनस 25y² माइनस 6 2 12 कैरी 1, 6 4 24 प्लस 1 25x प्लस 350y माइनस 784 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स। तो चलो देखो कितने आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैलकुलेशन तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्या किया, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दी थी, वहां से सेपरेट लाइंस फाइंड की। सेपरेट लाइंस फाइंड करने के बाद उन्हें प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हमें पता चला कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम बनेगा। तो जैसे प्लॉटिंग किया तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। जैसे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हमने डायगोनल के इक्वेशंस फाइंड किए। जैसे हमें यहाँ पे डायगोनल्स के इक्वेशन मिले, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन फाइंड किया। तो ये सभी क्या है, कैलकुलेशन है। इसे अच्छे से आप चेक कर लो, देख लो। ओके, तो चलो देखो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे आज के लेक्चर के प्रॉब्लम्स यहाँ पे एंड हो गए। देखो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लास्ट प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बोर्ड का आर्टिकल है वो यहाँ पे फिनिश्ड हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए कुछ और आर्टिकल जो है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन बोर्ड के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है, तो इनमें से मैं आपको फर्स्ट सॉल्व करके दूंगा विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड को आप सॉल्व करोगे क्योंकि सेकेंड बड़ा इजी है, एंड लास्ट भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा या फिर एक्सटेंशन दूंगा। तो चलो देखो क्या कहा गया है। ट्रायंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x² माइनस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। मतलब इसमें दो लाइंस है जो ओरिजिन से क्या होती है, पास होती है। तो इसमें दो लाइंस है एंड एक लाइन आपको दी है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये थ्री लाइंस मिला के क्या करती है, ट्रायंगल को फॉर्म करती है। तो इन थ्री लाइंस के हेल्प से आप बोलोगे थ्री कहाँ पे, ऑब्वियसली थ्री है, यहाँ दो लाइंस है और एक लाइन से, ऐसे थ्री लाइंस को मिला के आपका ट्रायंगल OAB क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो चलो देखो आपको मीडियन फाइंड करना है। ओके, इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड करना है ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ, ओ मतलब ओरिजिन, मतलब आपको मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मीडियन का इक्वेशन कहाँ से, ओ से। सो मीडियन क्या होता है आपको पता है, बेसिक लेक्चर्स में हमारा हो चुका है कि क्या होती है मीडियन। किसी भी वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को हम मीडियम बोलते हैं। सो मीडियन इज अ सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड। तो ओरिजिन से पास होगी, मतलब मीडियन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। बस आपको यही फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट को देखो अच्छे से समझो ताकि आप सेकेंड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सको। तो देखो क्या है, ट्रायंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय लाइंस। चलो देखो क्या लाइंस दी गई आपको, लाइंस x² माइनस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड देखो एंड ये आपके लिए लिखा है। दूसरी लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझो ग्राफिकली, फिर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये जो है इसमें दो लाइन्स है जो ओरिजिन से पास होती है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका आ गया वाई एक्सिस, ये आपकी फर्स्ट लाइन है एंड ए आपकी सेकेंड लाइन है। दोनों का से पास होती है ओरिजिन और इनका जॉइंट इक्वेशन मतलब ए है। सो यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y माइनस 1, तो इसका स्लोप क्या होगा, -2/3 यानी कि निगेटिव स्लोप होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगी। तो ये जो लाइन है ये आपकी कौन सी लाइन होगी, कुछ इस तरह से 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आपका ओरिजिन है, तो डेफिनेटली
ये जो पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट आपका क्या होगा, बी पॉइंट होगा, क्योंकि ये तीनों लाइंस मिला के क्या फॉर्म करती है, ट्रायंगल ओएबी फॉर्म करती है। मतलब ए एंड बी इस लाइन पे होगे और इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि मीडियन थ्रू ओ, तो ये आपका ओ वर्टेक्स है, यहाँ से मीडियन ड्रॉ करनी है। तो ओ के अपोजिट की साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। एंड ओ से ये जो मिड पॉइंट है इसे ज्वाइन किया तो आपको क्या मिलेगा, ओ ए मीडियन का इक्वेशन मिलेगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, पी बोलता हूँ। अच्छे से देखो, तो एफ का ये जो ए वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वन वाई वन लेंगे, एंड ये जो बी वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, एक्स टू वाई टू लेंगे। लेकिन एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू यानी कि ए एंड बी ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ दीज लाइन्स। मतलब ए लाइन इसमें आने वाले दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है ए एंड बी में, तो मतलब दीज टू लाइंस एंड लाइन इन दोनों का ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपको अच्छे से पता है जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा मतलब क्या होगा, ये लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी एट पॉइंट ए एंड बी। ये तो क्लियर है, क्योंकि बी पॉइंट का आप पेयर ऑफ लाइंस पे भी है, इस लाइन पे भी है। ए पॉइंट क्या है, पेयर ऑफ लाइंस पे भी है और इस लाइन पे भी है। सो ए लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी फॉर द पॉइंट ए एंड बी। तो हमने क्या किया, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स को अस्यूम किया। सो सपोज ये एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, देयरफोर मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है ए एंड बी का पी क्या है, मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट पी अगर है तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। अच्छे से देखो समझो इसे, क्योंकि पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इज क्या आएगा, पी एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ये किस तरह आ गया ये आपको मैंने बताया। तो चलो देखो, जैसे हमें पी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हम ओपी का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओपी क्या है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है, क्योंकि पी ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ओपी क्या हो गई, मीडियन हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो x1 y1 या x2 y2 इसका रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ए बी क्या है, पेयर ऑफ लाइंस का और इस लाइन का इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है, तो हम इस लाइन को यहां पुट करेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देयरफॉर 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर पॉइंट ए एंड बी। क्या करेगा, ए इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करेगा ओनली फॉर पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 3 पुट इन स्टार, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 3 क्या करेंगे, स्टार में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x, y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2x अपॉन 3 प्लस y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2x अपॉन 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसे अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, क्या होगा, चलो देखो, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x, x माइनस x इंटू टू एक्स, टू एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर होगा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। अच्छे देखो, a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वेयर a माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। सो थ्रू आउट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9x स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 9x स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स, 12x
माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 2 24 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, अच्छे से देखो, 4x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर दैट इज 28x स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या मिलेगा 9। सो क्या मिलेगा आपको, 28 प्लस 9 दैट इज 37x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x माइनस 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, तो फिर यहां से अब क्या होगा, अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मतलब इसके दो वैल्यूएशन मिलेंगी, एक वैल्यू मिलेगी x1 एंड दूसरी वैल्यू मिलेगी x2। तो आपको अच्छे से पता है x1 प्लस x2, x1 मतलब a के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, x2 मतलब b के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, लेकिन x1 प्लस x2 क्या होता है, माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ x दैट इज 16 अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x2 दैट इज 37। ये आपका क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है। सो आपको यहां पे क्या मिलेगा, 16 अपॉन 37। देयरफॉर x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 8/37। अच्छे से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है मतलब इसे सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूएशन मिलेगी x की, मतलब एक वैल्यू मिलेगी x1 तो a का x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरी वैल्यू मिलेगी x2 और b का x कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन यहाँ से x1 एंड x2 सेपरेटली फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, तो हमने सीधा क्या किया, सम ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट जो आपने 10th में स्टडी किया है उसका यूज किया, या फिर हमने भी यहाँ पे कई बार उसे स्टडी किया है। सो x1 प्लस x2 यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या मिली, 16 अपॉन 37। सो p का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो x1 प्लस x2 अपॉन 2 क्या मिलेगा, 8/37। तो ये 8/37 क्या हो गया, p का x कोऑर्डिनेट हो गया। सो p का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 8/37। सो हम क्या करेंगे, therefore x कोऑर्डिनेट ऑफ, अच्छे से देखो समझो इसे, x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 8/37। p का x कोऑर्डिनेट क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 था, सो p का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 8/37। अब अच्छे से देखो, अगर p का x कोऑर्डिनेट 8/37 आ गया, लेकिन p कहाँ पे है, इस लाइन पे है, तो हमें इस लाइन में अगर पुट करेंगे तो हमें यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, अच्छे से देखो समझो इसे, therefore y coordinate of p, y coordinate of p is, यहां पुट करेंगे, y is equal to 1 minus 2 into x coordinate क्या है, क्यों यहां पुट किया ये भी समझो, क्योंकि p कहां पे है, इस लाइन पे है, तो इस लाइन में पुट करेंगे, या फिर यहां पुट करो, चलो क्या आएगा, 2 into x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 8/37 प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 16/37 प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ये y जाएगा, सो 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 37 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 37 माइनस 16 दैट इज 21, 21 अपॉन 37 इज इक्वल टू 3y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7/37। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू मिली 7/37, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला, 7/37, ये p के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए। तो जैसे आपको p के कोऑर्डिनेट्स मिले तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन मीडियम जो op है उसे फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियम op इज, op का इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 0 अपॉन y2 माइनस y1, क्या है y2, 7 अपॉन 37 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1, x1 क्या है 0 अपॉन x2, x2 क्या है 8/37 माइनस 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8y अपॉन 37 इज इक्वल टू 7x अपॉन 37। तो फिर आसानी से 37 कैंसिल हो जाएगा, सो 7 माइनस 8y इज इक्वल टू 0, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम ओ।
तो देखो कितनी आसानी से प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, समझो इसे क्या किया। जनरल लाइंस थी, होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब यहाँ दो लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ड्रॉ किया जनरली ये लाइन है तो इसका स्लोप निगेटिव आता है, इसलिए इसे रैंडमली ऐसे ड्रॉ किया। तो आपको पता चलेगा होमोजेनियस इक्वेशन एंड गिवन लाइन में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो उसे ax1y1 एंड दूसरे को bx2y2 किया। फाइंड क्या करना है, मीडियन थ्रू ओ, मतलब पी ए बी का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट, तो ओ पी क्या होगी, मीडियन। सो पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो उसका इक्वेशन ऑब्टेन किया। अब यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये समझना कि ये जो लाइन है एंड ये जो दो लाइन्स है, इन दोनों का क्या होता है, इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे इस लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस लाइन से मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू फाइंड की, उसे होमोजेनियस इक्वेशन में पुट किया। जैसे इसे होमोजेनियस इक्वेशन में पुट किया तो मुझे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स आ गया। मतलब यहाँ से मुझे x की दो वैल्यूज मिलेगी, x1 एंड x2, लेकिन मैंने सेपरेट वैल्यू फाइंड नहीं की, सम ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, x1 प्लस x2 फाइंड किया। जैसे x1 प्लस x2 मिला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 फाइंड किया, क्योंकि x1 प्लस x2 अपॉन 2 क्या है, p का x कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से मुझे p का x कोऑर्डिनेट मिला, लेकिन p किस लाइन पे है, p 2x plus 3y minus 1 लाइन पे है, और वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 8/37। तो इस लाइन में मैंने x की वैल्यू 8/37 पुट की और y की वैल्यू फाइंड की, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7/37। तो जैसे ही मुझे x एंड y की वैल्यू मिली तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो p के कोऑर्डिनेट्स पता है, o के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो op का इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया, वो आ गया 7x - 8y = 0। कितना सिंपल है। अब आपको यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करना है, तो लास्ट प्रॉब्लम को देखो, लास्ट प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है लास्ट प्रॉब्लम भी, सिर्फ समझो इसे अच्छे से। आप सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ आपको एक्सटेंशन देने वाला हूँ। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करोगे। आपको कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, उन्होंने कहा गया है इसे यहाँ पे क्या है, दो लाइंस है और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला है, HF - BG / AB - H² एंड AF। देखो कैसे फाइंड करना है, शॉर्टकट भी आपको पता है, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज। यहाँ से हम क्या करते हैं, शॉर्टकट फाइंड कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, कैसे, AB - H² जो है ये डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा, AB - H². अब एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉप किया, HF - BG सेकेंड माइनस लेते हैं, सेकेंड ड्रॉप किया AF - GS, माइनस की वजह से क्या होगा, GH - AF। तो चलो देखो ये आपका क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे तो कंपेयर करो, वैल्यूएशन फाइंड करो और इस फॉर्मूले का यूज करो, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से सभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोर्ड लेवल पे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। तो यहाँ से आगे जो होगा वो आपके कॉम्पिटिटिव का सिलेबस होगा, तो आपके पास बोर्ड के टेक्स्ट बुक है तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हो। तो चलो देखो इस तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। ये वीडियोज आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।